मेरे को एक ही बेटा है, मैं इतना प्यार करता था, इतना लार प्यार करता था, वही मेरे को लास्ट में धक्का देके घर से निकल दिया। माँ बहुत शक्तिशाली होती है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है, लेकिन वो माँ भी कभी टूट जाती है जब उसका ही पुत्र उसको घर के बाहर का रास्ता दिखा देता है। यहाँ पे वृंदावन में ऐसी हजारों वृद्ध माताएं रहती हैं जिनको उनके घर से उनके पुत्रों ने घर के बाहर निकाल दिया है, या उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनको घर छोड़ के आना ही पड़ा। बहुत बहुत कष्ट से पाला, बहुत बहुत कष्ट से पाला, अभी शादी की बात घर से निकाल दिया, अभी क्या करें। एक ही रात के अंदर उसका पूरा का पूरा जो जीवन है वो खत्म हो जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता वृंदावन में आके भीख मांगने के अलावा। दो समय के भोजन के लिए इनको कम से कम 6 या 7 घंटे भिक्षा मांगनी पड़ती है और एक ही जगह पे बैठी रहती हैं, कोई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो उस दिन इनका ऐसे ही निकल जाता है। इतना यहाँ पे सर्दी पड़ता है कि कुछ माताएं अपना दम भी तोड़ देती है और सर्दी को सहन नहीं कर पाती। हंडी में जैसे एक चादर दे दी कि आप लोग, हम लोग को बहुत मदद होगा और आप लोग की भी ठाकुर जी दुआ कर लेगी। जाड़े में कंबल मिल जाते तो हमें बहुत फायदा होता, जाड़े में हमारा जान बच जाते। तो इस समय हमारी संस्था इनको अच्छे कंबल से लेके अच्छी रजाई, अच्छे गद्दे सब कुछ उपलब्ध करवाती है ताकि ये सर्दी को अच्छे से फेस कर पाए। तो आप लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारी माताएं हैं जिनका आज कोई भी नहीं है, तो आप लोग इनके अपने बने और इनके लिए जो ब्लैंकेट्स हैं, सर्दी के कपड़े हैं, थोड़ा सा डोनेट कीजिए जिससे ये उसका वार्म फील कर पाए और आपको आशीर्वाद दे पाए।